हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक यूट्यूबर के लिए, अगर आप यूट्यूब पे लाइव करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, या आप टेक्निकल वीडियो बनाते हो, या कोई भी वीडियो बनाते हो, आप यूट्यूब पे लाइव करना चाहते हो ओबीएस के जरिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं लाइव जाने के लिए, और लाइव जाकर मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। आ चुका है लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने एक ब्राउजर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको एक मेरी ओबीएस की सॉफ्टवेयर देखने को मिल रही है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे ओबीएस ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाओ यूट्यूब पे, यूट्यूब सर्च मारो, है ना, आपको ये वीडियो देखने को मिल गया, चलो मानते हैं। लेकिन अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने पूरे के पूरे ओबीएस के ऊपर में फुल ट्यूटोरियल बनाकर रखा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो आप A1 टेक्निकल सॉल्यूशन यहां पे सर्च मारना इस चैनल के ऊपर में, A1 टेक्निकल सॉल्यूशन। ठीक है, सर्च मारने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाओगे हमारे चैनल के ऊपर में, ये वाला चैनल हो चुका है। हम चैनल पे जाते हैं, चैनल पे जाने के बाद यहां पे आप चले जाओगे प्ले लिस्ट में। ओके, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपके लिए फुल ट्यूटोरियल बना के रखा है। यहाँ पे ओबीएस फुल ट्यूटोरियल है 2023 का, अभी 2023 चल रहा है, इसमें अभी जो ये वीडियो जा रहे हैं इसी में जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे 7 वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, ये लगभग 8वां वीडियो है। तो भाई देर किस बात के, फटाफट पूरा कंप्लीट सीखो ओबीएस को, ताकि बेहतर से बेहतर आप अपनी लाइव स्ट्रीम को कर सको। अगर मैं बात करूं कि फुल ट्यूटोरियल की बात करें तो 2021-22 में भी मैंने बनाया था, और ये काफी ज्यादा प्यार से मिला, इसलिए मुझे फिर से बनाने का अच्छा जगह है, और आप सबकी डिमांड भी थी। तो यहाँ पे ओबीएस का ट्यूटोरियल फिर से स्टार्ट हमारा हो चुका है, आप इसे कंप्लीट प्ले करके देख दो, यहाँ पे पूरे का पूरे ट्यूटोरियल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पूरे ट्यूटोरियल आपको मिल जाते हैं 1 से 7 तक, 8वां हमारा जाएगा ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ओबीएस में मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि अपने ग्रीन बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं। अगर आपने ग्रीन बैकग्राउंड लगा रखा है पीछे में, जैसे कि मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, मेरा ये जो फेस हो रहा है, मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है, मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड दिख रहा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा, तो वो बैकग्राउंड मेरा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ग्रीन बैकग्राउंड से। जी हाँ मेरे भाई, तो वैसे ही लाइव करते, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग वाला सेटअप दिख रहा हो या कुछ दिख रहा हो, मैं सिखा दूंगा चीजों नहीं। अब चलते हैं हम लोग समय मेन चीज समझते हैं कि भाई लाइव कैसे जाते हैं, किसी भी चैनल पे लाइव कैसे जाते हैं। तो सिंपल, मैं यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ, इन सारी चीजों को हटाने की कोशिश करता हूँ, हटा दू क्या, चलो रहने देता हूँ, हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहां से हटाता हूँ इसे, ठीक है, हटा ही देता हूँ। हटाने के इस पे क्लिक करना है और डिलीट पे क्लिक करोगे हट जाएगा। ठीक है, इस वाले भी फोटो को हम हटा देते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक आ चुका है। सोर्स और सेशन सब कुछ समझ में आता है आपको, मुझे पता है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में। दोस्तों लाइव जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल को इसी ब्राउजर में ओपन करना है, कंप्यूटर में जहां पे ओबीएस ओपन है वहीं पे एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है। तो मैंने एक ब्राउजर ओपन करा और यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसे वाइट स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। ये सब तो पता ही होगा अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो तो। ठीक है, नहीं चलाते हो तो भाई चलाना सीखो, है ना, उसके लिए तो हम हैं ही, हमारे चैनल में बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। अब इस चैनल में मेरे लगभग यहाँ पे 2322 सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे 500 व्यूज आ चुके हैं अभी रिसेंटली, मैंने 2 घंटा पहले इसमें वीडियो डाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे इसमें लाइव करना है सर, तो कैसे करें बताओ मुझे। तो ये तो ओपन हो चुका है, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, मैं एक बार पेन से करता हूँ, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम लाइव जा सकते हैं। ठीक है, यहां से वीडियो अपलोड करते हैं, यहां से हम कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चलिए गो लाइव यहां पे आ भी रहा है। ठीक है, गो लाइव करते ही आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो मैंने कभी भी इस वाले चैनल से लाइव नहीं किया है, इस वजह से क्या हो रहा है, यहां पे दो तरीका से पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट लाइव स्टार्ट करूं या आपको शेड्यूल करना है अपने लाइव को। मतलब लाइव दो तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे कि मुझे 2 बजे दिन में लाइव आने हैं और अभी बज रहा है 10,
तो मुझे 2 बजे आने हैं या अभी इंस्टेंट मुझे लाइव जाने हैं। अगर इंस्टेंट जाना है दोस्तों तो आप ये स्टार्ट करते हो, और अगर आपको ये शेड्यूल करना है तो आपको यहाँ क्लिक करने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, मतलब कि तुरंत चाहिए, और यहाँ पे आप देखोगे गो पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही ये बोल रहा है टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग अलाउ एक्सेस टू कैमरा, सो कैमरा यहाँ पे उठाएगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं दूंगा अभी, मैं कैमरा से नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रीम करूंगा लेकिन मैं दूसरी तरह, तो आपको करना क्या है, स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल स्ट्रीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करोगे या स्ट्रीम पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, या तो आपको स्ट्रीम पे क्लिक करना है या तो यहाँ पे मैनेज पे। अगर इंस्टेंट आपको स्ट्रीम स्टार्ट करना है मेरे भाई, तो स्ट्रीम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये सारा इंटरफेस आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं शेड्यूल करने भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन सारी चीजों को पढ़ भी सकते हो, ये सारे गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम है रेडी है, लेकिन यहाँ पे अनलिस्टेड है पहला बात, दूसरा बात यहाँ पे कुछ कोड है, यहाँ पे मेरे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं कि क्या लाइव होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। क्या ओपन कर लेता हूँ, मैं एज अ स्टॉक मार्केटर हूँ, आपको पता ही है मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम ही करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टॉक हॉट मैप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, हिट मैप। सो ये ओपन हो गया, अब ये मेरा लाइव में दिखना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये मेरा लाइव में दिखना चाहिए, सारा पैनल ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। सो ये दिखना चाहिए, अब करना क्या है मुझे, मैं यहां बताता हूं, ठीक है। यहां पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ओबीएस में जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, बिल्कुल शांत माइंड से सोचिए, ओबीएस जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको स्ट्रीम करके एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देख लो यहां पे आपका सिलेक्ट होना चाहिए यूट्यूब RTMPS, उसके बाद प्राइमरी यूट्यूब, ये आपको सिलेक्ट होना चाहिए, ये दोनों सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको करना क्लिक कहां पे है, यहां पे वाले पे क्लिक, यूज स्ट्रीम कीवर्ड ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां पे सम पासवर्ड देने को मिल रहा है, कुछ पासवर्ड है, कुछ कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको डालने पड़ेंगे। अब कहां से डालेंगे, तो अपने यूट्यूब चैनल से डालने होते हैं, तो फटाफट यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे और आपको यहां पे ये जो इंटरफेस है उसके नीचे आओगे तो आपको एक यहां पे पासवर्ड दिखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, रुक जाओ एक मिनट जी, यहां पे आपको पासवर्ड देने को मिल रहा है, मैं एक बार यहां से दिखा दूं, यहां पे देखो यहां पे पासवर्ड देने को मिल रहा है, इसको यहां से कॉपी कर सकते हो, यहां से रिसेट भी कर सकते हो, तो कॉपी कर लेना आपको फटाफट यहां से, तो सिंपल मैं करता हूं क्या, इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद फिर से ओबीएस में आना है और यहां पे आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया और यहां से आप अप्लाई कर दोगे, यहां से अप्लाई कर दिए और यहां पे ओके कर दोगे। अब हमने क्या किया, अपने पासवर्ड को यहां पे डाल दिया। अब सिंपल है, यहां से स्टार्ट स्ट्रीम करेंगे तो यहां पे जो भी स्क्रीन में रहेगा वो जाएगा, लेकिन क्या जाएगा, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, विंडो कैप्चरिंग स्टार्ट करता हूं, ठीक है। विंडो कैप्चरिंग मैं बिल्कुल समझाया हूं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं करता हूं अपने इस वाले क्रोम ब्राउज़र की एक्टिव, मेरा ये वाला दिखेगा लाइव में, याद रखिएगा, ठीक है। या मैं करता क्या हूं, हाँ ये दिखेगा लाइव में, ओके करता हूं, ये मेरा लाइव दिखेगा, लाइव में दिखेगा, मैं इसे रीसेट करता हूं एक बार, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये करता हूं, ये पूरा इसकी मेरा लाइव में दिखने वाला है, ठीक है। अब क्या करता हूं दोस्तों, यहां से गेट स्टार्ट मतलब स्टार्ट स्ट्रीमिंग करता हूं, यहां से आपको स्ट्रीम को स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है। जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको यस करना होगा, चलिए क्लिक करके हम यस कर देते हैं, कर दिए। अब हम आ जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, यहां से स्ट्रीम स्टार्ट हो रहा है, देखोगे आप तो यहां पे आपको ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा पूरा, मतलब कि आपका सिग्नल सही है और यहां से ये स्टॉप स्ट्रीमिंग दिखा रहा है, मतलब स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है मेरा ओबीएस से, लेकिन चैनल पे अभी नहीं गया होगा, टेंशन मत लो। यहां पे अब बात करें तो हमारा यहां पे अब देखने को मिल रहा होगा कि यहां पे कुछ कुछ चीजें आ रहे हैं, एक्सेलेंट कनेक्शन, मतलब हमारा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे जो टाइटल लिखना है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अनलिस्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, इसे आप पहले भी कर सकते हो बाद में कर सकते हो, तो मैं स्टार्ट तो कर दिया हूं, लेकिन यहाँ पे टाइटल आप सेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन यहाँ से टाइटल लिखते हो कुछ भी चीज है ना, लाइव टेस्टिंग लाइव कुछ भी आप अभी लिखते हैं। यहां से मोनेटाइजेशन वगैरह ऑन करते हो, यहां से इसे पब्लिक कर सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट है ना, मैं पब्लिक करता हूँ, बिल्कुल भी आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। यहां से थंबनेल डाल सकते हो, यहां से कीवर्ड वगैरह सब कुछ डाल सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे देखो कीवर्ड वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे कीवर्ड डालने का ऑप्शन है।
पूरे के पूरे सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कुछ मैं अलग सिखा रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा डिटेल में सिखा रहा हूँ भाई ये करना क्या है कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैटेगरी थोड़ा गलत आ रहा है ना, मेरे को यहाँ पे एजुकेशन रखना चाहिए था और फाइनेंस, तो ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप मोनेटाइजेशन वगैरह ऑन कर सकते हो, बिल्कुल भी बहुत चीजें हैं। सेव करेंगे, हमारा ये हो चुका पब्लिक होगा, एजुकेशन यहाँ पे आ गया कैटेगरी और हमारा सब कुछ आ गया। अब सिंपल इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और अच्छा इंड कर, इंड हो गया क्या, ओके नोट याद करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी ये लाइव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। मैं अपने मोबाइल फोन में जा रहा हूं और यहां पे आप देखोगे कि मेरे को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देखो फोन में यहां पे नोटिफिकेशन आया हुआ है मेरा, दिख रहा फोन में। अब इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है। लाइव है, ठीक है। मैं इसी चीज को आपको लैपटॉप में दिखाता हूं, टेंशन मत लो। ये हमारा लाइव चल रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब मैं करता क्या हूं, एक मिनट जी, मैं यहां पे एक और टैब ओपन करता हूं जहां पे जो दिख जाएगा आपको। मैं क्या करूं, ये डेस्कटॉप कैप्चरिंग नहीं, डेस्कटॉप कैप्चरिंग, हाँ सही है, डेस्कटॉप पूरा कैप्चर करते हैं, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। पूरा डेस्कटॉप ही कैप्चर कर लेते हैं। अब ये क्या है, मैं पूरा डेस्कटॉप कैप्चर करेगा। मैं इसे एक बार इसे ये कर लेता हूं, सेट कर लेता हूं स्क्रीन को। थोड़ी वीडियो लंबे हो रही है लेकिन हाँ, आप प्रोफेशनल चीज सीख रहे हो, थोड़ा लंबा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेस्कटॉप कैप्चरिंग होने लगा और यहाँ पे देखोगे फिर से ग्रीन रेड होने लगा। यहाँ पे सिग्नल आपको ग्रीन होना चाहिए या येलो होना चाहिए, तो ग्रीन होगा तभी अच्छा आएगा। अब आपको मैं दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च मारता हूं, ठीक है, देखिएगा मैं दिखा रहा हूं आपको, यूट्यूब सर्च मारता हूं और मैं यहाँ पे लाइव जाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और लाइव में आप देखोगे सबसे पहले तो इसमें सब्सक्राइब कर रखा हूं मैं, तो यहाँ पे मेरा लाइव आ रहा है, देखो यहाँ पे YT ट्रेडर्स करके मेरा चैनल है और इस पे लाइव आ रहा है और ये सारे लाइव में दिख रहे हैं, ठीक है, ये लाइव में दिख रहे हैं। अब अगर सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूं, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे पूरे ट्रूली कि भाई देखो कैसे लाइव जाया जाता है, कैसे लाइव जाते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव में ही लाइव दिखा रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है दोस्तों वही चीज यहाँ पे प्ले हो रहा है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि एक ही लैपटॉप में सारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से क्वालिटी थोड़ी सी खराब चल रही है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये लाइव है और हमारा ही चैनल है, बिल्कुल भी आप YT ट्रेडर करके सर्च मारना, हमारा ही चैनल है और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे लाइव हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो हमारा लाइव चल रहा है और जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है वो सब कुछ लाइव में दिख रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फोन में, यार देखो यहाँ पे मैं पूरा घर फोन दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे है ना। तो ये होता है लाइव, इस तरह से लाइव जाए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपने यहाँ पे क्या सीखा कि लाइव स्ट्रीम को कैसे करते हैं लोग, ट्रेडर्स या कोई भी यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कैसे करता है OBS के थ्रू, आपने सीख लिया क्या क्या सेटिंग करने हैं, मैंने डिटेल में समझाया है इसी में। तो आप थोड़ा केयरफुली इसे समझना सीखना और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, फेस कैम भी ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि एक स्क्रीन है उस पर फेस कैम, जैसे मेरे एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, तो मेरे फेस कैम यहाँ पे है और पूरे स्क्रीन में आपको हमारा यूट्यूब जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो दिख रहा है, उसी प्रकार से पूरे पूरे फेस कैम के साथ में लाइव जाना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।